आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं पर्वत राज पुरोहित, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। सांता क्रूज ईस्ट के होटल गीता विहार के पास एक डंप ट्रक ने 59 वर्षीय महिला ललिता हांस्टे को कुचल दिया। शनिवार को यह हादसा तब हुआ जब हांस्टे सड़क के किनारे चल रही थी और डंपर का ड्राइवर गजानन चौगुले तेज गति से बाहे मुड़ा। हांस्टे डंपर के पिछले पहिए के नीचे आ गई और गंभीर सिर और पेट की चोट आई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने हांस्टे को वीएन देसाई हॉस्पिटल सांता क्रूज ईस्ट पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौगुले, जो पवई का निवासी है, को लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हांस्टे अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। उनकी बेटी 10 साल पहले एक हादसे में निधन हो गई थी और बच्चों का पिता उन्हें छोड़ चुका था। हांस्टे की उनकी एकमात्र देखभाल करने वाली थी और घरों में काम करके जीवन यापन करती थी। उनके रिश्तेदार मुंबई में नहीं है, इसलिए उनके पड़ोसी ने वकोला पुलिस स्टेशन में ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 281 के तहत दर्ज किया गया है। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल।